हट रहे हैं अपनी गाड़ी के तरफ पार्किंग में, जहाँ गाड़ी हमने खड़ा कर रखा है, और यहाँ से अब हमारी यात्रा जो है ऋषिकेश के लिए शुरू होगी। हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे जाए, कौन सा रूट सबसे बेहतर होगा, और वहाँ कौन कौन सी घूमने वाली जगह है, कौन कौन से एडवेंचर हैं वहाँ करने वाले। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सुबह की शुरुआत किया है, अभी समय हो गया 8:12 हो रहे हैं, और दोस्तों हम लोग अब निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली से हरिद्वार आए थे, हरि के द्वार, और हमने वहां गंगा स्नान किया और भी चीजों का आपको दर्शन कराया मैंने पिछले भाग में। तो मित्रों आज का जो ये एपिसोड है, यहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश में क्या क्या घूमने वाला जगह है और क्या क्या एक्टिविटी है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो मित्रों आज का भी जो सफर है हमारा बहुत ही आनंददायक होने जा रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही अच्छी जानकारियां भी मिलेगी। दोस्तों हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार तक हम लोग को पहुंचने में टोटल टोल टैक्स कितना लगा। 245 टोटल टोल टैक्स लगा हम लोग का। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा था तो हमने बताया था कि गंगा आरती का दर्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग गंगा आरती नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग लेट हो गए। आजकल गर्मी के दिन में 5:15 तक गंगा आरती हो जाती है, तो अगर आप भी गंगा आरती के लिए आ रहे हैं तो सुबह आपको जल्दी आना होगा। हरिद्वार से स्नान ध्यान करके माँ गंगा का पूजा करके हम लोग निकले ऋषिकेश के लिए, और देखिए रास्ते में सारे हमारे बंधुओं का क्या हाल है। ये देखिए साहब सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। मेरे पीछे वाले एक साहब है वो भी सो रहे हैं, और एक साहब इधर जो है ये तो और मजे से सो रहे हैं। तो सबको बहुत तेज नींद आ रही है हमको छोड़ के, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं, सो जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं सोएंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि रात भर सब लोग जगे हैं तो ये लोग को नींद आ रहा है, और हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है, नींद की कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 किलोमीटर आने के बाद यहाँ भी बहुत ही जाम का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि कल रात में जाम के वजह से हम लोग बहुत लेट हो गए थे, हरिद्वार पहुँचने में हम लोग को 6 घंटे लगभग लग गए, तो वही अभी स्थिति ऋषिकेश जाने में भी है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। नॉर्मली जाम नहीं मिलता है, लेकिन आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था तो बहुत ज़्यादा जाम मिल रहा है। देखिए भाई लोग गाड़ी से उतर चुका है, गाड़ी को छोड़ के, और ये लोग चाहता है कि गन्ना का जूस पिए। गन्ना का जूस पीना है फिलहाल, ये रीजनेबल रेट लग रहा है। कैसे दे रहे हो भैया जूस, कितने का दे रहे हो? 20 रुपए का गिलास हो। ठीक है, 4 गिलास दे दो भैया। हम लोग का तो स्नान ध्यान हो चुका है दोस्तों, अब धनु को भी स्नान कराना है, जहां भी मौका मिलेगा हम इसको भी स्नान करा देंगे, बहुत गंदी हो चुकी है। दोस्तों कुछ ही समय बाद हम लोग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, और फिर ऋषिकेश का मंजर आपको दिखाते हैं, वहां का मंजर कैसा है। हरिद्वार से ऋषिकेश की जो यात्रा है बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों देख सकते हैं दोनों तरफ जंगल है, बीच में रास्ता है, कितना खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है यहाँ का। योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। दोस्तों ऋषिकेश का स्टेशन इतना खूबसूरत है कि मैं उसका क्या वर्णन करूँ। चलिए मैं आज आपको ऋषिकेश का स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती है यहाँ की। देखिए भगवान शंकर के सवारी नंदी महाराज भी हैं यहाँ पे, और भगवान भोलेनाथ की बेहद खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे, जो
जो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है बाबा कुछ कह रहे हैं और स्वयं यहाँ आकर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, योग नगरी है तो योग नगरी पूरे विश्व की योग नगरी है। झूला के तरफ बढ़ रहे हैं और चूंकि रोड बहुत ही संकीर्ण है और जाने आने में थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, लेकिन चलता फिरता जाम है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, हम लोग को क्रॉस करने में। बहुत ही संकीर्ण रोड है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई है, आप देख सकते हैं कि कितनी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी हम लोग। दोस्तों यहाँ से गंगोत्री की दूरी 264 किलोमीटर है, जो कि माँ गंगे का उद्गम स्थान है। यमुनोत्री 249 और बद्रीनाथ 296। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत वादियां हैं, क्या खूबसूरत वादियों से होके हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए सामने में जो दिख रहा है ये बस स्टैंड। तो अभी हम लोग लक्ष्मण झूला के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है और आगे भी लगा हुआ है, तो थोड़ी सी जाम लगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग निकल। हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास और यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ से पार्किंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपीज लगते हैं पार्किंग के। आप यहाँ लक्ष्मण झूला का पार्किंग जो है यहाँ पार्किंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर सुविधा है। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मण जी महाराज का। ये जो मंदिर है, हमको पहला ऐसा मंदिर मिला है जो लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है। भगवान लक्ष्मण जी के मंदिर में अब हम लोग प्रवेश करेंगे और चलिए मैं अंदर की कुछ पौराणिक चीजें दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं। इस स्थान पर राम और लक्ष्मण जी आए, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण को नहीं मारते, गौ माता को नहीं मारते, तो रावण फैमिली ब्राह्मण था, कर्मों से राक्षस था, उसका पराजित किया। तो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग, नाम सुना होगा देवप्रयाग, ऊपर गए तो भगवान राम जी ने तपस्या किया और लक्ष्मण जी ने 212 साल बैठ के तप किया था यहाँ पर इस स्थान पर। आप मंदिर कहीं भी देखते हैं, राम भगवान माता सीता लक्ष्मण जी सब कमांड में। ये लक्ष्मण जी का सिंगल मूर्ति मंदिर है पूरे भारतवर्ष में एक है और ये जो मूर्ति है 1200 साल। और इस मूर्ति में कोई नई चीज़ देख कर बता दीजिए, इनके अंदर कोई नई चीज़ देखी? शेषनाग विराजमान है। हाँ ऊपर में देखिए, भगवान विष्णु का अवतार राम भगवान थे, लक्ष्मी जी का माता सीता जी थी और लक्ष्मण शेषनाग का अवतार था, बचे दो भाई भरत और शत्रुघ्न। तो देखिए भरत उनका अवतार है, जो भगवान विष्णु की उंगली होता है सुदर्शन चक्र, हाँ हाँ, उसका अवतार भरत है। हाँ। और जो बजाने वाला होता है शंख, हाँ, उसका अवतार शत्रुघ्न है। हाँ। और शेषनाग का अवतार लक्ष्मण, भी विष्णु भगवान के अंश है जी जी। तो यहाँ हम मत्था टेकते हैं, इनका 3 परिक्रमा। ऐसी मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण जी की मंदिर के 3 बार परिक्रमा किया जाता है, तो हम लोग 3 बार परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए भक्तगण, आप सभी भी भगवान लक्ष्मण जी का दर्शन करें और पुण्य फल लें। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 99% बोलते हैं 99% कि गंगोत्री से ऊपर गोमुख जहाँ से गंगा रिवर स्टार्ट होती है, इसी बात को बोलते हैं ना, लेकिन असली गंगा जो स्टार्ट होती है वो देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, क्योंकि तो अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में संगम होता है, तो स्टार्टिंग ऑफ द गंगा देवप्रयाग। हाँ, ये तो पता है। दोस्तों हम लोग जो हैं अब लक्ष्मण झूला और रुद्राक्ष के पेड़ देखने के लिए आगे जा रहे हैं। पहले लक्ष्मण
झूला पे जाएंगे, उसके बाद रुद्राक्ष का पेड़ हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। क्या नाम है? ब्लॉक सच्चा अखिलेश्वर महादेव। तो अंदर जो शिवलिंग है आइए, इसका जो लंबाई है तो 11 फीट 3 इंच है, 11 फीट 3 इंच है, और इसका वजन 125 क्विंटल है। अच्छा, एक ही पत्थर का बना है, कसौटी पत्थर का जो जूस के पास हो ना, जिसको रगड़कर गोल्ड देखते हैं, ये सिंगल स्टोन का है, जिसको रगड़कर गोल्ड ही देखते हैं, क्वालिटी का पत्थर है, सिंगल स्टोन का है, उत्तराखंड राज्य का बिगेस्ट है, उससे बड़ा कोई शिवलिंग है, 11 फीट 3 इंच का है। माँ गंगे के तट पे, और जो हमारा गाइड था वो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा था कि रुद्राक्ष का पेड़ दिखाएंगे, कोई रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग आए तो थे लक्ष्मण झूला का आनंद लेने के लिए, इस तरफ से उस तरफ होते हम लोग लक्ष्मण झूला के माध्यम से, लेकिन इसकी वायर कमजोर हो गई है और टूट रही है, जिसके वजह से इसको अभी बंद कर दिया गया है। और इसी के बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक JCB खड़ा है जो कि खुदाई चल रही है, हनुमान झूला बनाने की तैयारी से की जा रही है, लेकिन लक्ष्मण झूला यहाँ का फेमस है, कोई नहीं, वो झूला ऐसा बनेगा सर जैसे चीन के अंदर शीशे का झूला। ओहो, जैसा कि चीन के अंदर शीशे का झूला है, जो शीशा ब्रिज की तरह। तो 11:15 हो रहा है और हम लोग को भूख भी लगी है, तो अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं ढाबा में। ये ढाबा है, यहीं बैठ के हम लोग खाएंगे। सारे हमारे मित्रगण लोग अब भूख से तड़प रहे हैं, खाना खाने के लिए, शाकाहारी खाना है। सुबह से केवल भाग ही रहे हैं, भूख भी लग गई है अब हम लोग को, तो बस खाने का ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? मसाला डोसा और लस्सी। तो दोस्तों, आज मसाला डोसा और लस्सी का हम लोग आनंद लेंगे ऋषिकेश में, उसके बाद उसका स्वादिष्ट टेस्ट कैसा है आप बताते हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है, बताइए वो गन्ने वाली क्या थी, वो जूस में कुछ और थी। ये लोग फल वाला जूस है, वही मिल गया, बहुत है, चाय के जगह ऐसे गन्ना जूस स्पेशल थाली
स्पेशल थाली ले आओ भैया, जल्दी लाओ खाने। ये हम लोग का स्पेशल थाली आ गया है, बहुत ही बेहतरीन, देखने में बहुत खूबसूरत। अब खाने के बाद क्या टेस्ट होता है वो भी आपको बताते हैं हम। तो खाना अब हमारा आ चुका है, खाना हम लोग शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद आपको खाने का एक्सपीरियंस बताएंगे। देखिए भैया, हमारे मैनेजर साहब का आदेश आ गया है कि दिन में खाना है खा लो, अब रात का कोई भरोसा नहीं है। कल रात में खाना नहीं दीजिएगा आप, तो ये फंड का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, हमारे अंकल से सी लेना है। मटर पनीर, कढ़ी, दाल, दही, रोटी, पापड़ और चावल भी। दोस्तों खाना हम लोग खा चुके हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था और हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी यहाँ आइए तो रावत रेस्टोरेंट में खाना खाइए। शुद्ध शाकाहारी थाली, देखने में जितना खूबसूरत उतने ही स्वादिष्ट भी और बहुत ही बेहतरीन, आप यहाँ आके खा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए निकल रहे हैं और जो ऋषिकेश का जो हमारा सफर था अब यहीं समाप्त होता है।